बड़े गणेश का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन उज्जैन आने वाला प्रत्येक तीर्थयात्री करता है। ये सुंदर मूर्ति 15 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी है। इस मूर्ति की स्थापना का श्रेय नारायण व्यास जी को जाता है, जिन्होंने पहले पंचमुखी हनुमान की मूर्ति प्रतिष्ठापित की और बाद में बड़े गणेश की। लेकिन कालांतर में बड़े गणेश अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध हो गए। श्री नारायण व्यास की तीसरी पीढ़ी आज इस मंदिर की देखरेख कर रही है। एसआर दर्शन आपको लगातार उज्जैन में हो रही सिंहस्थ की तैयारियों की जानकारियों से अवगत करवाते आ रहा है। इस मंदिर की स्थापना आजादी मिलने के पहले हुई थी। इंदौर में स्थित बड़ा गणपति मंदिर भी उज्जैन के कारीगरों द्वारा ही बनाया गया। भगवान गणेश की इस विशाल काय मूर्ति को राखी के पर्व पर बड़ी राखी भी बांधी जाती है। उज्जैन से लेकर देश के कई स्थानों से यहां पर श्रद्धालु पधारते हैं। गणेश के दर्शन करने से सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। जैसे ये बड़े सबसे बड़े गणेश जी हैं, इसे ही देख के इंदौर में बड़े गणेश जी बनाए गए हैं, क्योंकि ये गणेश जी सब पूरे सबसे बड़े, इनको ही सबसे पहले पूजा जाता है, तो सबसे बड़े गणेश जी यही कहलाते हैं। इसे हम तो हमेशा हर बार जब भी महाकाल दर्शन करते हैं, ये यहाँ आके जरूर दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत शुभ है। हम लोग गणेश मंदिर आते रहते, पर ये जो है यहाँ के अनंत श्री बड़े गणपति जी महाराज हैं, तो यहाँ पर जो उज्जैन के सबसे बड़े गणपति जी महाराज है, तो इनके दर्शन करने से मात्र से ही हमारे जो जीवन में सुख संपत्ति धन वैभव सभी हमें प्राप्त होता है। तो जो भी हमारे जीवन में जब भी हम शुभ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, तो हम कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि नमस्ते निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वे कार्येषु मंगला। तो इनके दर्शन मात्र से ही सारे कार्य हमारे सम्पन्न होते हैं, सुख सुविधा हमें प्राप्त होती है, इसलिए हम गणेश जी का सबसे पहले आह्वान किया जाता है। Oh,
माता विराजी नुर्वी पूर्वी प्रेम रूपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी जळके मान मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू वल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एक दंत तू मयूरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू वल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एक दंत तू मयूरेश्वरा मोरया भक्त तुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका नमस्कार। एसआर दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पंडित। हम प्रयास करते हैं कि हर बार कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी जगह का हम आपको दर्शन करवाएं, ऐसी जगह के दर्शन लाभ करवाएं जहां से आध्यात्म का जन्म होता है। जी हां, बाल गंगाधर तिलक ने भगवान गणेश की उनकी आस्था में जन जन में उनके प्रति और आस्था बढ़े और देश की स्वतंत्रता में सभी लोग और तेज गति से काम करें, तब से गणेशोत्सव की विशेष रूप से शुरुआत हुई थी। मूर्ति पूजा, गणेश जी के पूजा में विशेष रूप से जन सहयोग होने लगा। आइए, इस समय हम उज्जैन में बड़ा गणेश जी के मंदिर में हैं। पंडित जी प्रणाम। जय प्रणाम। आप अपना शुभ नाम सबसे पहले बताएं। मुझे सोम शंकर व्यास बोलते हैं। कृपया आप ये बताएं कि इस मंदिर की, इस बड़े गणेश जी की स्थापना कब हुई? इनको 125 साल के करीब हो गया। भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले लोकमान्य तिलक ने ऐसी प्रेरणा दी मेरे दादाजी को, है ना, उसी आधार पर इनका निर्माण हुआ। स्वर्गीय नारायण जी व्यास इसके संस्थापक रहे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। इंदौर में भी बड़े गणेश जी का की स्थापना है। उसी कलाकार ने जो उज्जैन में जिन्होंने गणेश जी बनाया है, उज्जैन का ही कलाकार था और इंदौर के लोगों की ऐसी इच्छा हुई कि ऐसे ही मूर्ति की स्थापना वहाँ हो, तो इंदौर में भी स्थापना किया गया है। वहाँ के सेठ वर्गों ने प्रेरणा दी और वहाँ निर्माण हुआ। कृपया बताएं, क्या ये मूर्ति किसी पत्थर की है या फिर पंच तत्वों से निर्मित है? मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी से निर्मित किया हुआ जी। तो फिर अभिषेक वगैरह सभी पहले होते थे, लेकिन अब वो सीमेंटेड हो जाने से और ऑयल पेंट हो जाने से अब कोई केवल सिंदूर उनके पैरों पर लगता है जी। सिंदूर इनको आवश्यक है, इसलिए पैरों पर सिंदूर लगाया जी। आप विशेष रूप से गणेश जी की आराधना के लिए और अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए क्या निवेदन करते हैं, यहाँ पर क्या करना हो? गणेश जी का आराधना कीजिएगा। यहाँ संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है, माघ मास में यहाँ बड़ी चतुर्थी मनती है और यूँ भी 12 महीने में संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है। हर प्रकार के संकटों का निवारण गणेश जी करते हैं। इस समय सिंहस की तैयारी? जी हाँ, उज्जैन में सिंहस महापर्व आ रहा है और यहाँ उज्जैन में गणेश जी भोलेनाथ के बाद दूसरा नंबर गणेश जी का ही आता है दादा। वो तीर्थ नगरी में करोड़ों लोग आएंगे, सब दर्शन लाभ लेंगे। ऐसे में पूजा प्रार्थना आराधना के लिए किसी प्रकार कोई अपना बुकिंग या किसी प्रकार से कुछ अपना प्रकार का यहाँ वो नहीं है? गणेश जी मंदिर में किसी प्रकार का वो नहीं। एसआर दर्शन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
शाय तू मोरया, चिंतामणि तू सिद्धि नायक गणाधीशाय मोरया, वक्रतुंड तू गज मुख तू सिद्धि विनायक, वक्रतुंड तू गज मुख तू सिद्धि विनायक, गजानन